हिमाचल में गुरुवार से बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में परिवर्तन रैली की और हिमाचल की वीरभद्र सरकार पर निशाना साधा और लोगों से बेईमानों को उखाड़ फेंकने में सहयोग की अपील की। हिमाचल में चुनावी साल में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिमला दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। हिमाचल में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा परिवर्तन रैली से सियासी तीर भी खूब चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के केंद्रीय नेताओं तक ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को निशाने पर लिया। भाइयों बहनों, शायद ही हिंदुस्तान के कोई मुख्यमंत्री को इतना समय वकीलों के बीच बिताना पड़ता होगा जितना, समझ गए, बड़े समझदार लोग हैं जी। जब अखबारों में खबर छपती है कि आज प्रदेश का मुख्यमंत्री फलाने कोर्ट में हाजिर होगा, आज हिमाचल का मुख्यमंत्री फलानी जगह पेशी देगा, तो हिमाचल शर्मसार होता है। ये देवभूमि है, लेकिन जब हम सुनते हैं कि हमारे प्रदेश का मुखिया ही कभी किसी कचहरी में किसी कोर्ट में खड़ा है, तो हिमाचल को दुख भी होता है और शर्मसार भी होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हों, सीबीआई ने चार्जशीट दायर फाइल की हो, ईडी ने की हो जी। और वहां पर उनको बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री का अधिकतर समय कोर्ट केसेस और अपने वकीलों में बीते, हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं आई लेकिन 5 रुपए भी खर्च ना करवा पाए, तो इससे स्पष्ट संकेत जाता है कि एक बेईमान सरकार जी, एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री के कारण हिमाचल प्रदेश का नुकसान हुआ है। शिमला की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली की ताजी हवा हिमाचल में भी आ रही है। अब उत्तर प्रदेश की हवा हिमाचल में आ रही है, उत्तराखंड की हवा हिमाचल में आ रही है और दिल्ली की ताजा ताजा हवा भी तो आ रही है। भाइयों बहनों, देश में विकास का युग तो है, लेकिन जो ईमानदारी से जीना चाहते हैं, ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं, इस उन लोगों के लिए स्वर्णिम युग आया है। प्रदेश से हवा चली है, जो उत्तराखंड की ठंडी ठंडी हवा कमल के साथ आई है, उसने हिमाचल में भी प्रवेश कर लिया है और अब हिमाचल में भी वो ठंडी हवा और कमल खिलेगा, इसके तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। परिवर्तन की लहर जो आ रही है, ये हिमाचल में भी परिवर्तन लाने के लिए तैयार है जी। मैंने बहुत सारी रैली मोदी जी की देखी है जी। चुनाव के समय से लेकर आज तक इस रैली में जो जोश था जी। सड़क के किनारों पर पैर रखने की जगह नहीं, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक हजारों हजार लोग यहाँ पर उपस्थित होकर ये कह रहे थे, मोदी जी आपने देश जीता है जी। हम आपको हिमाचल प्रदेश जीत कर देंगे जी। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई झेल रहे हैं और चुनावी साल में बीजेपी इसे भुनाने में लग गई है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया।